अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अदाकारा हीरा मानी ने अपने शोहर सलमान साकिब अलमारूफ मानी से मुतल्लिक अपने माजी में दिए गए बयान पर वजाहत पेश कर दी। हाल ही में हीरा और मानी निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुए। इसमें मेज़बान निदा यासिर ने हीरा से सवाल किया कि मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू देख रही थी, तुमने समीना पीरज़ादा की वेब शो में कहा था कि मानी मुझे ऐसे मिला कि वो मेरी दोस्त का मंगेतर था, इसके बाद तुम्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया, तो क्या कहानी थी? जवाब में हीरा ने कहा कि निदा अगर तुम वो शो देखो तो मैंने मंगेतर तो कहा ही नहीं, मैंने कहा था कि मानी मेरी दोस्त का दोस्त था। अदाकारा के जवाब पर निदा ने फौरन कहा कि हाँ मैंने गलती से मंगेतर कह दिया, तुमने दोस्त कहा था। हीरा मानी ने वजाहत पेश की और मजीद कहा इन दोनों की तो मंगनी भी नहीं हुई थी। समीना पीरज़ादा ने सवाल किया तो मैंने ये किस्सा वैसे ही शेयर कर दिया। अदाकारा ने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है और कोई किसी की तरह नहीं होता, सबकी अपनी अपनी शख्सियत होती है। इस पर मानी ने कहा कि इस वक्त मैं और भी बहुत से लड़कियों से बात कर रहा था जिनमें वो हीरा मानी भी शामिल थी। वाजह रहे कि 4 साल कबल हीरा मानी ने समीना पीरज़ादा को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि मेरी दोस्त और मानी एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं मानी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। हीरा ने इंकशाफ किया कि इस वक्त वो भी एक बैंकर से रिश्ते में थी और जल्द दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने दोस्त के मोबाइल से छुपकर मानी का नंबर निकाला और उनसे बातचीत शुरू कर दी। मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मेरी मंगनी भी हुई हुई थी, मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था। मैंने मानी को कॉल की कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद तो आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।